और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला। आई जो अभी आप बोल रहे हैं, कितना दिन से राजनीति में जी? हम लोग कितना दिन से राजनीति? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में सासाराम और बिहार शरीफ में जो तनाव का माहौल हुआ, हिंसा हुई, लोगों की जाने गई, उसके जिम्मेदार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब इन सवालों से सामना हुआ तो उन्होंने खुलकर कहा, जो भी लोग हैं आप जानते नहीं हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशान साधा है, असदुद्दीन ओवैसी पर निशान साधा है जमकर, वो लोग उन्हीं के एजेंट हैं। क्या बीजेपी के इशारों पर ही बिहार के कई हिस्सों में दंगे हुए? नीतीश कुमार का साफ साफ ऐसा ही कहना है। और जो मुख्य आरोपी हैं कहाँ भाग गए, कौन थे वो लोग, पूरी तहकीकात की जा रही है। नीतीश कुमार ने खुलकर बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधा है। क्या कर रहे हैं लोग, कितना लंबा सफर रहा राजनीति का, कुछ जानते हैं? नीतीश कुमार ने खूब पलटवार किया है, जरा सुनिए। कुछ नहीं हो रहा है जी सर, आप समझ लीजिए दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। और जैसे ही थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले, हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था, आज जब से हम लोग आए कितना ज्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला, तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए, सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या खुलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जरा दिल्ली का देख ना लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में, और क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? तो वो तो कह गए हैं कि अगर हमसे कहीं से बात करें, फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आप सोच रहे हैं कभी कभी हुआ है इस देश के, जरा संविधान को देख लीजिए क्या है शुरू से बना है, और जो भी गवर्नर होते हैं तो क्या गवर्नर से खाली बतियाया जाता है कि सरकार से बतियाया जाता है? कोई बात होता है इतिहास तक कभी हुआ है? हम तो कभी भी मैंने एक बना हुआ है कि राज्य सरकार की सहमति से होंगे, तो हम तो आज तक कभी पहले भी किसी का भी शासन रहा, जो भी हमको कहते हैं हम कभी जरा भी एतराज नहीं करते, जो भी आते हैं हम तो समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग का आदत है, आप जान रहे हैं ना, आई जो अभी आप बोल रहे हैं कितना दिन से राजनीति में जी, हम लोग कितना दिन से राजनीति में, सोचिए। आई लोग कई दिन के हैं, कहाँ पर कुछ हो रहे हैं, इन लोगों का कुछ है या पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था कितना बढ़िया से काम किया था, अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी,
कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं और जहां भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती। सर 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 कोई चर्चा देखिए ना भाई, हम लोग इतना जो काम करते रहते कहीं चर्चा होती है? खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा? और एकदम रहिए, अगर कहीं भी दो जगह पर जो किया वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं, कोई भी हो सबको। तो वो तो बोल गए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको उल्टा लटका के, वो तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई है उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। आप जरा भुला गए, 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहिए थे कि नहीं अरेस्ट किए थे? ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया है। तो ये लोग को कुछ पता है जी? और क्या हुआ था वहाँ? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है कोई मतलब। ऐसी भाषा को सरकार समझते हैं, ऐसी भाषा जो हुआ सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबको अपना अलर्ट रहता है और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट है। हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है उसमें प्रशासन, वो जानबूझ करके कुछ किया है घट पर। सर जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, सर सर बेनकाब करेंगे? लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं, एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। सर अमित सर लेकिन हाँ खोज रहा आप कहाँ कोई करने वाला है यहाँ कि कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। सर अमित शाह जब भी बिहार, आपके लिए दरवाजा बंद रख दिया है ना, तो कुछ बात आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था, भूल गए? आइए आप सब लोगों को मालूम न जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका ऐसे ही कुछ बोलते रहना, हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते, इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने का? हम तो लोगों के बीच में है। आज जरा सा हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, ये जो छपता है उसमें क्या करिएगा? आपका तो कंट्रोल है नहीं, वो तो ऊपर से कंट्रोल है, ये आप लोगों को कैसे कहेंगे? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोगों से हमको बहुत उम्मीद है, आप जरा लोगों से जरा भीतर से बतियाइए तो आपको सही बात पता चल जाए। आप जाएंगे सर नालंदा? आप नालंदा जाएंगे? आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेंगे। फिर विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं? खास नहीं है सब, अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया, तो अब आप जाएंगे जल्दी? कब निकलने वाले हैं? हम तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहां पर करवाए हैं आप जानते नहीं है, तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है तो सबका देख ही रहा है। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता है, जो आरोपी हैं जिनके कारण बिहार के कई हिस्सों में आग लगी, दंगा हुआ, हिंसा हुआ, वो पकड़े जाते हैं नहीं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, हालांकि खबर यह भी निकल के आई है कि लगभग 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हुई है दोनों ही जगहों पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।